हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसियन बिलीफ नेटवर्क। सो दैट जो बेसिक बिलीफ नेटवर्क है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप का अमंग रैंडम वेरिएबल्स इन अ पर्टिकुलर सेट। अगर रैंडम वेरिएबल्स की बात करें एक पर्टिकुलर सेट के अंदर, तो एक प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप है, ठीक है। इट इज़ अ क्लासीफायर विद नो डिपेंडेंसी ऑन एट्रीब्यूट। ये एक क्लासिफायर है जिसका उसके एट्रीब्यूट के ऊपर कोई डिपेंडेंसीज नहीं है। दैट इज, इट इज कंडीशनली कंडीशनल इंडिपेंडेंट। कंडीशनल इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जो कंडीशनल इंडिपेंडेंट, अगर आपकी दो इवेंट है, अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो उनकी प्रॉबिलिटी हो जाती है पी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी व्हेन ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। सो ड्यू टू इट्स फीचर ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी इज बेशियन बिलीफ नेटवर्क इज डिराइव्ड बेस्ड ऑन कंडीशन प्रोबेबिलिटी एट्रीब्यूट अपॉन पेरेंट। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एट्रीब्यूट ट्रू ओवर पेरेंट एट्रीब्यूट, ओके। नॉट अ क्लासिफायर असाइंस डेटा इन अ कलेक्शन टू डिजायर्ड कैटेगरीज। कंसिडर दिस एग्जाम्पल, सपोज वी हैव अलार्म, सो वी हैव फायर अलार्म पी टू और बर्गलरी। सो दैट अलार्म विल गिव यू पी वन कॉल्स पी टू कॉल्स, ओके। सो इन दी अबोव फिगर वी हैव एन अलार्म ए अनोड से इंस्टॉल इन अ हाउस ऑफ पर्सन जी एफ जी, भाई गिग्स फॉर गिग्स वालों के घर पे इंस्टॉल करना है। विच रिंग्स अपॉन टू प्रोबेबिलिटी, वन इज बर्गलरी पी एंड फायर एफ, विच आर पेरेंट नोड्स ऑफ अलार्म नोड, जो कि अलार्म नोड के पेरेंट नोड है। द अलार्म इज द पेरेंट नोड ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज पी वन कॉल पी वन एंड पी टू कॉल्स पी टू पर्सन नोड। अपॉन द इंस्टेंस ऑफ बर्गलरी एंड फायर पी वन एंड पी टू कॉल पर्सन जी एफ जी रेस्पेक्टिवली, बट देर आर फ्यू ड्रॉबैक्स इन दिस केस, एज समटाइम्स पी वन मे फोरगेट टू कॉल द पर्सन जी एफ जी इवन आफ्टर हियरिंग द अलार्म, एज ही हैज अ टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स क्विकली। सिमिलरली पी टू समटाइम्स फेल्स टू कॉल द पर्सन जी एफ जी, एज ही इज ओनली एबल टू हियर द अलार्म फ्रॉम अ सर्टन डिस्टेंस, ओके। सो क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पी वन इज ट्रू एंड पी वन हैज कॉल्ड जी एफ जी, पी टू इज ट्रू मीन टू से पी टू हैज कॉल्ड जी एफ जी व्हेन द अलार्म ए रैंग, बट नो बर्गलरी बी एंड फायर एफ हैज अकर्ड। ये दोनों हुए नहीं है, तो ना होने की मतलब नॉट ऑफ बी नॉट ऑफ एफ एंड पी वन पी टू ए, इनके होने की कंडीशन ट्रू है। तो ये इवेंट ट्रू है और ये इवेंट फॉल्स इवेंट है, ठीक है। द वैल्यू मैंशनड बिलो आर नाइदर कैलकुलेटेड नॉर कंप्यूटेड, दे हैव ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ठीक है। सो बी के लिए जो बगलरी है उसके लिए ट्रू के लिए हमने देख लिया कि 0.001 बी इज ट्रू, दैट इज बगलरी हैज अकर्ड। एंड फॉल्स के लिए 0.99 प्रॉबिलिटी है, जब बी इज फॉल्स दैट इज बगलरी हैज नॉट अकर्ड, ओके ओके। सो इसका मतलब है कि चोरी हो चुकी है और जो लूट है आपकी, ट्रू का मतलब है हो चुकी है, फॉल्स का मतलब नहीं हुई है। फायर, जब कोई फायर अकर होता है तब अलार्म बजती है, जब फायर मतलब जल रही है तब, और जब नहीं जल रही है तब अलार्म चलती है। तो ये एक कंडीशन है, उसकी फायर होने की कंडीशन कितनी है, प्रॉबिलिटी 0.002 और न होने की 0.998, ठीक है। अब हम देखेंगे अलार्म की। सो अलार्म की प्रॉबिलिटी, अगर बी ट्रू है एफ ट्रू है, तब अलार्म के होने की प्रॉबिलिटी है 0.98, ट्रू होने की प्रॉबिलिटी, और नहीं होने की 0.05,
ऐसी कंडीशन में, हर एक कंडीशन में मैंने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है, ये कोई कैलकुलेटेड नहीं है। ऊपर इसने कहा है ना कि इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, आर नाइदर कैलकुलेटेड और नॉर कंप्यूटेड। ओके, दिस इज ऑब्जर्व्ड वन। सो वी हैव ऑब्जर्व्ड ट्रू फॉल्स के केस में, फॉल्स ट्रू के केस में, फॉल्स फॉल्स के केस में। सो द अलार्म ए नॉट कैन बी ट्रू और फॉल्स, दैट इज मे हैव रंग और मे नॉट हैव रंग। इट हैज टू पेरेंट नोड्स, बर्गलरी बी एंड फायर एफ, विच कैन बी ट्रू और फॉल्स, दैट इज मे हैव अकर्ड और मे नॉट हैव अकर्ड डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंडीशंस। सो पर्सन P1, P1 इक्वल टू ट्रू, अगर ए ट्रू है तो उस कंडीशन में 0.95% ये होगा और फॉल्स 0.05 होगा। वहीं फॉल्स है तो उस कंडीशन में 0.05%, पर्सन वन और फॉल्स होगा 0.95। ठीक है, इसी तरीके से पर्सन टू की प्रोबेबिलिटी भी ये। ठीक है, अब सॉल्यूशन कंसिडर, कंसिडरिंग द ऑब्जर्वेशन प्रोबेबिलिस्टिक स्कैन विद रेस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, probability of P1, P2, A, these are true, but जो B है वो false है, F and false है। We need to get the probability of P1. We find it with regard to its parents alarm, parent alarm, alarm A, via parent node alarm A. To get the probability of P2, we find it with regard to its parent node alarm A. We find the probability of alarm A node with regard to negative B and negative F, since burglary B and fire F are parent node of alarm A. From the observed probabilistic scan, we can deduce this. Okay, कि देखो चूंकि ये इसका parent है तो इसके अंदर क्या आएगा, P1 जब A हो चुका है, probability of P2 when A is occurred, probability of A when these are not occurred, both are these are not occurred, and probability of this and probability of this standalone. So at last we get this probability like this. So this particular thing is called Bayesian belief network. इसे ही हम क्या कहते हैं, Bayesian belief network भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताने की कोशिश करता हूँ। जो अपना Bayesian belief network है, एक सेकेंड, जो आपका बेशियन नेटवर्क है जिसे हम बेशियन बिलीफ नेटवर्क भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिक मॉडल भी बोलते हैं इसको, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप का अमंग अ सेट ऑफ वेरिएबल। इट प्रोवाइड्स अ कॉम्पैक्ट एंड इंट्यूटिव वे, एक इंट्यूटिव देता है, इंट्यूटिवनेस, ठीक है, वे टू मॉडल अनसर्टेन नॉलेज एंड परफॉर्म प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस। ठीक है, इसी की मदद से हम प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस करते हैं, जैसे कि इसके अंदर मैंने प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस की कि ये प्रोबेबिलिटी आई जब P1, P2, A जब है और ये दोनों नहीं है, तो ये हमारी कैलकुलेटेड नहीं है, लेकिन हमने एक ऑब्जर्वेशन से एक प्रोबेबिलिस्टिक स्कैन निकाल लिया, इन्फर कर लिया। सो इन अ बेशियन नेटवर्क वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड एज नोड एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड एट डायरेक्ट एजेस कनेक्टिंग द नोड्स। The directionality of the edge indicates the conditional dependency between the variable. जैसे कि ये वाला था, यहाँ पर जो अलार्म है वो किन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, फायर एंड बर्गलरी, और P1 कॉल किसके ऊपर, अलार्म के ऊपर डिपेंडेंट है, P2 कॉल किसके ऊपर है, अलार्म के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसी तरीके से ये डिपेंडेंसीज दिखाई गई हैं, तभी तो ये आया है कंडीशनल प्रॉबिलिटी के अंदर। ठीक है, कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। अब मैं प्रोग्राम की तरफ बढ़ता हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास में एक प्रोग्राम है, मैं आपको प्रोग्राम की समरी दे देता हूँ थोड़ी सी। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करें एक बेशियन नेटवर्क को कंसिडरिंग मेडिकल डेटा, यूज दिस मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट पेशेंट्स यूजिंग स्टैंडर्ड हार्ट डिजीज डेटा सेट। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड जो डेटा है वो बनाने की कोशिश की है, उसके अंदर कॉलम मैंने लिया है, इसके बारे में मैं एक एक चीज़ तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन एज हो गया उसका, चेस्ट पेन हो गया, रेस्ट बीपी हो गया उसका, ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर करने की, जो रेस्ट बीपी है वो
आपका रेस्टिंग ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल, FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है, ये ECG वाला पार्ट हो गया, है ना। सो इस तरीके से ये तो कॉलम हो गए और ये डेटा हो गया, उससे एसोसिएटेड कम से कम 10-12 मैंने ये बनाने की कोशिश की है, और इसको मैंने पांडास की मदद से डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने डेटा और कॉलम्स मेरे को दोनों देने पड़े। अब इसके अंदर मैंने नमपाई भी इंपोर्ट की है। यहाँ पर मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर मैंने मॉडल कहाँ से लेके आया हूँ, पीजीएम से। अब आप कहोगे यार ये पीजीएम क्या है, पीजीएम तो हमें पता ही नहीं है। पीजीएम होता है ना कि ये है एक मॉडल ही है, इसको जब हम किसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हमारे पास में एक मॉडल होता है, ठीक है। पीजीएम लाइब्रेरी इज अ पाइथन लाइब्रेरी फॉर वर्किंग विद प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल्स। पीजीएम्स आर पावरफुल टूल्स फॉर मॉडलिंग एंड रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी, अलाउइंग अस टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज एंड परफॉर्म प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस। जो पीजीएम पाई प्रोवाइड्स करता है एक वाइड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटी जिसकी मदद से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं, पीजीएम्स के अंदर काम कर सकते हैं, जो कि है आपका प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल जो मैंने आपको पहले बताया ही है, ठीक है। इसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज हैं जैसे स्ट्रक्चर लर्निंग हो गई, पैरामीटर लर्निंग हो गई, इन्फरेंस हो गया, मार्कोव ब्लैंकेट हो गया, सैम्पलिंग हो गई, विजुअलाइजेशन हो गया, वो सब इसकी मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इंपोर्ट किया है बायसियन मॉडल, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल का ही पार्ट है, इसीलिए पीजीएम की मदद से हमने इंपोर्ट कर लिया। पीजीएम की फुल फॉर्म क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल, ओके। ये अपनी पीजीएम की फुल फॉर्म हो गई है। इसमें से मैंने बेशियन जो मॉडल है वो इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। एस्टिमेटर और इन्फ्रेंस भी मैंने इंपोर्ट किया है, इसके बारे में बताऊंगा। सॉरी, इन एस्टिमेटर और इन्फ्रेंस से ही मैंने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर और वेरिएबल जो एलिमिनेशन है वो मैंने इंपोर्ट किया है, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके बाद में मैंने यहाँ पर बेशियन मॉडल के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें दी हैं। ये देखो, एक तरीके से मैं एक टपल बना रहा हूँ, तो ये मैं टपल के रूप में क्यों दे रहा हूँ यार, बेशियन मॉडल की क्लास के अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने टपल क्यों दी है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि यार ये ऐसा मैंने क्यों किया है। ऐसा करने का कारण ये है कि मैंने बताया ना, डिपेंडेंसीज बतानी होती है मेरे को यहाँ पर कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये बताने के लिए मैंने ये टपल दिया है। मैंने ये बताया कि जो रेस्टिंग बीपी है वो एज के ऊपर है, जो FBS है वो एज के ऊपर डिटरमाइन करता है, रेस्टिंग बीपी सेक्स के ऊपर भी, मेल और फीमेल वाले पार्ट पे भी डिटरमाइन करता है, ठीक है। और इस तरीके से हर एक चीज़ जो डिपेंडेंसीज है वो मेरे को बतानी थी। ये करने के बाद में मेरे को डेटा देना था इसके अंदर, ठीक है। डेटा दे दिया मैंने, हार्ट डिजीज का जो डेटा फ्रेम है मैंने पास कर दिया, और एस्टिमेटर के एज ए मैंने क्या यूज़ किया, मैंने मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर यूज किया। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर है इज यूज टू एस्टिमेट द पैरामीटर ऑफ द मॉडल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड डेटा। ये एस्टिमेट करता है पैरामीटर्स को किसके आधार पे, बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड डेटा। मैं इसको यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ, ठीक है। द मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर इज यूज टू एस्टिमेट द पैरामीटर ऑफ द मॉडल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व डेटा, ठीक है। ऑब्जर्व डेटा के आधार पे वो उसको एस्टिमेट करता है, ठीक है। सो मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर का काम ये है। अब अगला जो है हमारे पास में ये है कि यार मैंने यहाँ पर किया हार्ट डिजीज इन्फर, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया किस क्लास का, वेरिएबल एस्टिमेशन क्लास का, और इसके अंदर मैंने मॉडल पास कर दिया। ये जो मॉडल है इसके अंदर मैंने डेटा फिक्स करके और ये इसके अंदर पास कर दिया। तो आप ये मैंने एक इंस्टेंस बना लिया किस क्लास का, यहाँ पर जो हार्ट डिजीज इन्फर है मैंने एक इंस्टेंस बना लिया इसका वेरिएबल एलिमिनेशन क्लास का, जो कि है पीजीएम पाई लाइब्रेरी से, विच अलाउज फॉर एफिशियंट वेरिएबल एलिमिनेशन बेस्ड इन्फ्रेंस ऑन बेशियन मॉडल। जो ये अलाउ करता है जो एफिशिएंट वेरिएबल एलिमिनेशन है किसके आधार पे, बेस्ड ऑन एलिमिनेशन बेस्ड इन्फरेंस ऑन बेशियन मॉडल के आधार। सो ये जो वेरिएबल एलिमिनेशन है इज
अ मेथड फॉर एक्सट्रैक्ट इन्फरेंस इन बेशियल नेटवर्क, इन्फर करने के काम में आता है। हम कोई चीज को इन्फर करते हैं ना कि यार एक डेटा आ गया, डेटा के आधार पे हम कोई चीज को इन्फर करते हैं कि यार इन्फर करो इसको, इसके ऊपर कोई ना कोई तो कंक्लूजन निकाल के लेके आओ, तो कंक्लूजन निकालने वाली बात है, ठीक है। सो इन द के इन दिस केस द वेरिएबल एलिमिनेशन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद द मॉडल एज द इनपुट पैरामीटर विच रिप्रेजेंट द बायशियन मॉडल यू डिफाइंड अर्लियर। ओके, बाई क्रिएटिंग दी वेरिएबल एलिमिनेशन ऑब्जेक्ट यू कैन नाउ यूज इट टू क्वेरी द मॉडल एंड परफॉर्म प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस ऑन दी वेरिएबल्स इन दी मॉडल। तो देखो ये मैंने क्लास क्रिएट कर दी, अब मैं इसके ऊपर क्वेरी लगा सकता हूँ। तो मैंने क्या क्वेरी लगाई, इससे मैंने क्वेरी लगाई कि इस जो वेरिएबल है और ये जो एविडेंस है ये मेरे को इसके अंदर क्यू के अंदर डाल दो। तो मैंने क्वेरी लगाई द लाइन दिस पर्टिकुलर क्यू वाली लाइन जो है, ओके, परफॉर्म्स अ क्वेरी यूजिंग दी वेरिएबल एलिमिनेशन ऑब्जेक्ट ऑन दी बेशियन मॉडल। इन दिस क्वेरी वी आर इंटरेस्टेड इन ऑब्टेनिंग द प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी वेरिएबल AHD दैट इज कॉल्ड हार्ट डिजीज। AHD इज हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज के ऊपर है, तो हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहते हैं इस वेरिएबल की। गिवन द एविडेंस दैट एज इज 37, जो एज है वो तो 37 है, और जो मतलब नया डेटा जानना चाहते हैं, नया डेटा दे रहे हैं जिसकी एज 37 है और वो मेल है, ठीक है, वन मतलब मेल। सो क्वेरी मॉडल मेथड ऑफ वेरिएबल एलिमिनेशन टेक्स टू मेन आर्ग्यूमेंट, वन इज वेरिएबल दैट वी आर पासिंग एंड अनदर वन इज एविडेंस। वेरिएबल दिस स्पेसिफाइज द वेरिएबल्स फॉर विच यू वॉन्ट टू ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फॉर एविडेंस दिस स्पेसिफाइज द एविडेंस और ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉर सम वेरिएबल्स। ओके, सो ये स्पेसिफाई कर रहा है एविडेंस या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू कुछ वेरिएबल्स के लिए। सो बाई कॉलिंग दिस हार्ट डिजीज इन फॉर, ओके, यू आर आस्किंग द मॉडल टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ AHD दैट इज हार्ट डिजीज गिवन द एविडेंस ऑफ एज बीइंग 37 एंड सेक्स बीइंग 1। द रिजल्ट असाइंड टू द वेरिएबल क्यू दैट यू कैन सी हियर क्यू विल कंटेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ AHD बेस्ड ऑन गिवन इन्फरेंस। एंड जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो मेरे को यहाँ पर मिल गया कि जो इसकी AHD की नो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू।